अंदर रहे हैं, कोरोना से संबंधित जो संक्रमण है और खासतौर पर अभी जो बढ़ते केसेस हैं पूरे स्टेट में, हम लोग ये देख रहे हैं। आप सभी से अपील है कि कृपया मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, फेस कवर का प्रयोग ज़रूर करें। जब भी आप बाहर जाएं, आप कृपया अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बाहर जो लोग हैं, पूरी सोसाइटी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, आपस में दूरी बना कर रखें, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करें। और क्योंकि अनलॉक वन अभी जैसा कि कहा जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी खुल गई हैं, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, काम शुरू हो गया है, तो अभी हमें सतर्क रहने की और आवश्यकता है। आप सबसे पुनः अनुरोध है कि इन डायरेक्शंस का जो भी सरकार प्रशासन निर्देश देती है या जो भी एडवाइजरीज जारी होते हैं, उनका आप लोग ज़रूर अनुपालन करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, हम सभी की सेफ्टी के लिए है। इसके अलावा पान मसाला, गुटखा, ये सारी चीज़ें अभी प्रतिबंधित हैं। थूकने से संक्रमण के का खतरा और बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल भी मना है, इसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। और बाकी जो लॉकडाउन से संबंधित या अन्य जो डायरेक्शंस हैं, ये ज़रूर आप लोग समझिए कि ये सारे जो ऑफेंसेस होते हैं, सभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम आप सभी स्वयं इस चीज़ को समझें और इसमें प्रशासन का, हम सभी का सहयोग करें, ताकि हम लोग इस चुनौतीपूर्ण दौर से निकल सकें। और एक और बात हमें याद रखनी है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से नहीं। तो किसी भी व्यक्ति या जो बाहर से लौटा है या कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसकी हम सबको हमें उसकी उसके स्वस्थ होने की कामना करनी चाहिए। उससे हम लोग अच्छा व्यवहार करें, ये सुनिश्चित करें। और आशा है हम लोग इससे जल्दी निकलेंगे। सभी देवघर वासियों का बहुत सहयोग रहा है अभी तक और आगे भी बना रहे।